राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गत दिनों ब्यावरा नगर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए ब्यावरा को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका को शहर से गंदगी हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन शहर में नगर पालिका के कर्मचारी खुद कलेक्टर का नाम लेकर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे एक मामला गुरुवार को गुना बाईपास स्थित बाडी खाली के निकट बंधन बैंक के सामने आया है, जहां नगर पालिका के कर्मचारियों ने कचरा गाड़ी में कचरा भरकर बैंक के सामने डाल दिया। बहुत बड़ा नगर पालिका का अपने ब्यावरा स्टेट का, तो उसके लिए यहाँ पे अपने यात्री या जो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके लिए यहाँ पे चीटे उड़ते हैं, कीचड़ होता है और उससे परेशानी आती है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे गौ माता के लिए भी परेशानी होती है, डस्टबिन से अपनी पोलिथीन खाती है। और यहाँ देखी जाए तो अभी लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक गौ माता अभी कचरा भी खा रही है वैसे। और इसके लिए हम परेशानी साल भर क्या कम से कम 5 साल से हम नगर पालिका से शिकायत कर चुके हैं, और इस विषय में हमने यहाँ पर आज ये ऐसा धरना जैसा एक प्रदर्शन किया है, उसके तहत हम इसके आगे कार्रवाई चाहते हैं। कि हमारी नगर पालिका परिषद की गाड़ी जो कचरा उठाती है वो अपने वाले बंधन बैंक के सामने जाके खराब हो गई, तो हमने उनको बोले कि वहाँ पे कचरा डंप करके गाड़ी ले आए, अब गाड़ी की रिपेयरिंग का काम हो जाए, उससे दूसरी गाड़ी भिजवा के हम आपका कचरा हटवा देंगे। अभी क्या प्रोसेस है उसमें? अभी सर यही है कि वहाँ पे हम जो कचरा पड़ा हुआ है उसको हम हटवा देंगे। जो लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन